डयर स्टूडेंट्स असलैक्म वी आर इन क्लास फिफ्थ आवर सबजेक्ट इज मैथ एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द एक्टिविटी मैजिक हेगजागानस कल हमने कम्प्लीट किया है मैजिक स्कैर्स आज हमने करना है मैजिक हेक्जोग लुक एट एट द पैटर्न ऑफ लुक एट द नंबर पैटर्न ऑफ नंबर्स इन द ईच साइड सर्कल एंड वन बॉक्स हमें नंबर्स जो दिए गए हैं इनका पैटर्न देखना है इस हेक्जोग में हमने दिए गए नंबर्स का पैटर्न देखना है हर एक साइड में एक सर्कल और एक बॉक्स दिया गया है हमें यह देखना है इनका पैटर्न क्या है फॉर एग्जाम्पल ये एक हेक्सागॉन दी गई है हमें इसमें से देखना है सिक्सटी फाइव नंबर कौन सा नंबर सिक्सटी फाइव फिर देखना है हमें विच आर द सर्कल नेक्स्ट टू इट ये जो सिक्सटी फाइव है इसके नजदीक कौन सा सर्कल आता है सिक्सटी फाइव इसके नजदीक आता है सर्कल जिसमें नंबर लिखा गया है फाइव ओके यू गेट द नंबर इन ईच बॉक्स हर आप देखोगे कि हर एक बॉक्स में एक नंबर दिया गया है बाई मल्टीप्लाइंग द नंबर जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे इन द सर्कल्स ये जो सर्कल दिए गए हैं इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे जो जो नंबर निकल आएगा वो एक बॉक्स में लिखा होगा नेक्स्ट टू डीट दैट मीनस अगर थर्टीन और फाइव को हम मल्टीप्लाई करते हैं ये जो सर्कल दिए गए हैं एक में लिखा है फाइव एक में लिखा है थर्टीन अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जो नेक्स्ट जो बॉक्स है इनका नियरेस्ट बॉक्स या नेक्स्ट बॉक्स जो होगा इसमें इनका मल्टीप्लाई आएगा आ जाएगा थर्टीन फाइव हजार सिक्सटी फाइव ओके दैट मीनस फाइव इंटू थर्टीन गो फाइव इंटू थर्टीन या फाइव को हम थर्टीन से मल्टीप्लाई करते हैं जो नंबर जो नेक्स्ट बॉक्स में आता है यह है सिक्सटी फाइव क्लियरली द गिवन रूल वर्क ये जो रूल दिया गया है ये वर्क काम करता है ठीक है, फॉर आगे दिया गया है फॉर ये जो एक सर्कल दिया गया है मल्टीप्लाई करना है दूसरे सर्कल से और इनका जो इक्वल ये जो मल्टीप्लाई जब करेंगे जो नंबर आना चाहिए वो सेवनटी आना चाहिए अब हमने खुद तलाश कर रहे हैं किन दो सर्कल को जो आपस में नजदीक होंगे इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और उनका मल्टीप्लाई जो नंबर आएगा वो सेवनटी होना चाहिए ओके ये जो हमने देखना है यहां पे थर्टीन है थर्टीन को जब हमने फाइव से किया 65 आ गया हम इसी साइड में लेफ्ट साइड से चलते हैं फाइव और फोर्टीन फाइव और फोरटीन अगर इन दो को हम ये जो नजदीक नजदीक है फाइव के नजदीक आता है फोर्टीन और इनके बीच में आ जा जो जो, दरमियान में जो आता है बॉक्स उसमें सेवनटी लिखा गया है जो सेवनटी तो हम नंबर दिया गया है वी हैव तो फिर क्या करना है हमें वी हैव नंबर कौन कौन सा है हमारे पास नंबर है फाइव एक तो है फाइव एक सर्कल में दिया गया है फाइव ओके okay? और दूसरे में है फोर्टीन मल्टीप्लाई करेंगे हम ये जो दूसरा दिया गया है इसमें फोर्टीन से उनका ये जो नंबर जो आना चाहिए जब जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे ये सेवेंटी आना चाहिए फाइव फोर हजार ट्वेंटी ये जो टू कैरी लग रहा है फाइव वन हजार फाइव प्लस टू हो गया है दैट वी आर वी हैव डेफिनेट नंबर्स फाइव इंटू ये जो सर्कल्स जो दिए गए हैं इनका जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो सेवनटी बनता है ये जो दिया गया है हमें वहां से दिया गया है हमें सेवनटी अब हमने इस बॉक्स में तो फिर क्या लिखना है वी हैव और 5, 14 और है एक में हमने लिखना है फोर्टीन दूसरे में लिखना है फाइव इनका मल्टीप्लाई जो हो गया वो हो गया सेवनटी फ्रॉम द गिवन पैटर्न क्योंकि पैटर्न के हिसाब से हमें चलना है पैटर्न जो बताता है हमें वो ये कहता है कि जो के बाद एक सर्कल बाद बॉक्स है उसके बाद जो दूसरा सर्कल है इन दोनों को हमें सर्कल के दो नंबर्स में से ये जो नजदीक में सर्कल दिए गए हैं इनके जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है उनका मल्टीप्लाई जो नंबर आना चाहिए वो इस बॉक्स में नेक्स्ट बॉक्स नेक्स्ट टू इट उसमें आना चाहिए ओके अगर हमने देखो हम एक और नंबर लिखेंगे सर्कल एंड सर्कल इज इक्वल टू सेवेंटी। एक तो सेवेंटी हमने निकाल लिया अब दूसरा ये क्वेश्चन है हमारे लिए देखो अब हमने ढूंढना है अगर हम फाइव और फिफ्टीन ये तो हो गया अब फोर्टीन और सेवन को जब करेंगे हम सेवन फोर हजार ये नहीं आ जाएगा सेवनटी आप देखना देखो ये सेवन है सेवन और अगले में है टेन अगर हम सेवन और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आ जाता है 70. दैट मीनस इसमें हमने लिखना है सेवन और इसमें लिखना है 10. नंबर आ गया 70. ओके समझ में आ गया ओके शाह शाबाश. अब हम अब मैं आपको जानने जा रहा हूं दो चार क्वेश्चन वो आपको घर में लाने हैं करके लाने हैं ओके थैंक्स वालेकुम